हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डोंट वरी अबाउट इट, अ कंपाउंड सिंपल कहा जाए तो अ कंपाउंड कंटेन्स 4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिकुलर मास इज, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज कितना? गाइस ये क्वेश्चन भी प्रोपोर्शन बाय वेट का है, ठीक है गाइस, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। आइडिया इज हमें ये पता है या नहीं पता है, 100 ग्राम अगर कंपाउंड है तो उसमें सल्फर कितना है? 4 ग्राम। तो लेट अस फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फर टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी रेशियो लेते हैं। रेशियो हैज गॉट टू बी फिक्स, है ना बच्चों? हमने कहा सल्फर है 4 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 100। अब मुझे बताओ अगर मैं 1 मोल कंपाउंड लेता हूं, 1 मोल कंपाउंड लेता हूं, तो उसमें सल्फर का मिनिमम मोल कितने होने चाहिए? मिनिमम 1 तो होना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? आर यू गेटिंग दैट और नॉट? जब तुम H2O लेते हो, H2O के 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन होता है। सो डू यू रियलाइज इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड देर शुड बी एटलीस्ट 1 मोल ऑफ अ एलिमेंट? आधा तो नहीं ले सकते, एक ही लेंगे, हाँ है ना बच्चों? 1 मोल कंपाउंड में देर हैज गॉट टू बी मिनिमम 1 मोल ऑफ अ एलिमेंट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट? हम कहेंगे सल्फर का मास, अब हमें चाहिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना गाइस? तो एक काम करते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए मिनिमम सल्फर देखते हैं, ठीक है ना गाइस? मिनिमम सल्फर के कितने ग्राम होने चाहिए इन 1 मोल? डू रियलाइज देयर शुड बी 1 मोल ऑफ सल्फर इन 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बोला था, है ना? और 1 मोल ऑफ सल्फर का मास कितना होता है? 32। सो नाउ आई एम टेकिंग द मास ऑफ सल्फर, मिनिमम मास ऑफ सल्फर, ठीक है ना गाइस, बाय मिनिमम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू हैव गॉट योर आंसर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो हमारा 4/100 था, दिस वॉज द मास रेशियो ऑफ सल्फर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, और ये जो हमारी रेशियो है, दिस इज द मास रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये भी सल्फर टू मास रेशियो ही हम ले रहे हैं, सल्फर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास रेशियो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? दिस इज 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गॉट इट और नॉट? क्लियर है गाइस? 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मास ऑफ सल्फर मिनिमम 32 होना चाहिए, हो सकता है 1 मोल में 2 मोल सल्फर होते, तो वो टोटल मास कितना हो गया होता? 32 × 2। लेकिन हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वी आर अज्यूमिंग 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में यू हैव गॉट ओनली 1 मोल ऑफ सल्फर। ज्यादा सल्फर होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मास ज्यादा निकल के आता, आए ना? अगर 2 मोल सल्फर होते तो अब हमारा एक्स की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो हमने एक्स की वैल्यू, सॉरी, मास मास ऑफ सल्फर हमने कितना ले लिया? सिर्फ 32 का, मतलब 1 मोल सल्फर, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट और नॉट? किसी बच्चों को डाउट इस क्वेश्चन? क्लियर हो गई ये चीज? नाइस, लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन गाइस। ये नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, एक और देखते हैं। अ हाइड्रेट ऑफ Na2SO3 हैज 50% H2O बाय मास, इट इज गॉट 50% H2O बाय मास, द फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला इज, गैस पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला होगा क्या? व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला? इट विल बी Na2SO3 डॉट NH2O। हमें नहीं पता वाटर कितना है, Na2SO3 तो हमें दे ही रखा है, गॉट इट और नॉट गाइस? हमें देखना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रेट दे रखा है ना, हाइड्रेट का मतलब वाटर इज प्रेजेंट,
अब हाइड्रेट में फॉर्मूला ये है, तो व्हाट इज द मिसिंग टर्म ओवर हियर, एन। और हमें बता रखा है कंपाउंड के अंदर 50% वॉटर, कैसे करोगे गाइस? प्रोपोर्शन बाय वे, 100 ग्राम कंपाउंड में वाटर कितना है? 50। सो कैन आई से 50/100? ये हमने क्या रेशियो लिया बेटा? वाटर टू कंपाउंड, राइट? यही रेशियो होनी चाहिए इन 1 मोल ऑफ Na2SO3.NH। ये रेशियो भी हमने 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में देखी है, यही रेशियो हमारी होनी चाहिए इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में वाटर कितना है गाइस, जरा बताना मुझे। इस 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड में वाटर कितना है? 18N, 18N इट इज। एंड व्हाट इज द मास ऑफ दैट टोटल कंपाउंड? इट विल बी Na2SO3 का मास, जो भी है ऐड कर देना, +18। कुछ समझ में आया या नहीं आया? Na2SO3 का तो मास ऐड अप कर सकते हो ना, 23 × 2 + 32 + 48 विल गिव अस द मास। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर हो गई ये चीज? इसको और आसानी से किया जा सकता, कैसे करा जा सकता? हमने अभी मास रेशियो किसका लिया? दिस टू ऑर्गेनिक, दिस टू होल कंपाउंड की रेशियो। वी टुक द रेशियो ऑफ वाटर टू कंपाउंड। लेट अस टेक द रेशियो ऑफ वाटर टू Na2SO3। ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। रेदर देन टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, लेट अस टेक द रेशियो ऑफ दिस टू दिस। क्या आएगी बच्चों ये रेशियो? वाटर वॉज 50, तो ये कितना होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 52, विल बी 18N बाय मोल का मास ऑफ Na2SO3। अब कुछ बच्चे जिनका मैथ अच्छा है वो कहेंगे सर ये तो हम ऊपर से भी कर सकते थे। काइंड ऑफ सोचा जाए तो कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड टू टाइप, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो दोनों साइड, यही बने। डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन यही बन जाए। गॉट इट और नॉट? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई है? नहीं समझ में आई तो मैंने बता दिया, इस तरीके से भी किया जा सकता। क्लियर है गाइस? मतलब जो मैंने अभी किया है, जो मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनाने की कोशिश करी है, ये तुम यहां से भी इस पे जा सकते थे बाय डूइंग डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? एनी वे आई डोंट थिंक इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट हो। यहाँ पे हमने रेशियो किसके लिए है? H2O2 Na2SO3। एक बार हमने लिया ये रेशियो इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एक बार हमने रेशियो लिया इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को आपको दिक्कत आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही है गाइस, ये बताओ। बोलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड लेट अस सी हाउ यू डू दैट। इट इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर हमें पूछा गया व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बाय द वे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि हमें लिखा हुआ हो फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। वैसे मुझे बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है बच्चों? एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट्स नाइस। कौन से बच्चे ने आंसर दिया था? प्लीज टेल मी द आंसर क्विकली, सॉल्व इट एंड क्विकली गिव मी द आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्मुला इज एम्पेरिकल फॉर्मुला ओनली, वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्मुला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% x एंड 50% y। तरीका बच्चों को याद है? कितनी बारी प्रैक्टिस करके आए थे? अज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड, मास ऑफ एक्स ले लो ग्राम में, मास ऑफ वाई ले लो ग्राम में, मास की जगह मोल लो, मोल की सिंपलेस्ट रेशियो लो एंड गिव द आंसर। गॉट इट और नॉट? जो मैंने अभी बोला है यह सारा सिर के ऊपर से गया। अज्यूम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, जो भी परसेंटेज है वही तुम्हारा मास हो जाएगा एक्स और वाई का। मास के बजाय लेट अस फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो लो, यू विल गेट योर आंसर। x इक्वल्स टू 20 और y एक्स इक्वल टू, ये एटॉमिक मास है? नहीं मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था फिर से बताना। 1 मोल
हाँ एटॉमिक मास इज पर मोल, मतलब मोल निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए होता है ना, ग्राम बाय एटॉमिक मास, तो वही एटॉमिक मास इज गिवन। गाइस देखो एक क्वेश्चन करवा, दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे, अब ये एक क्वेश्चन दिया है एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन जो तुमने लास्ट क्लास में करे थे। इट इज द इजिएस्ट वन यू कैन हैव। नहीं हो रहा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडिया इज मेहनत करने की जरूरत। पैनिक से तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करने से जरूर आएगा। हाँ एक्स एक्स ना, उल्टा कर दिया तुमने, उल्टा कर दिया बेटा। एक चीज और बताओ, सपोजिंग तुम्हारा एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स वाई वन बाई टू, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं एक्स वाई एक्स वन वाई वन बाई टू, तो गाइस फ्रैक्शन में नहीं लिखते हम पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दे। गॉट इट और नॉट, क्लियर हुआ है? नहीं हुआ, पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी डोंट वांट अ एम्पेरिकल फॉर्मूला लुकिंग लाइक एक्स वन वाई वन बाई टू, इट इज बेटर यू राइट इट डाउन एज एक्स टू वाई वन। पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया? एक्स टेन? ना ना यार, क्या कर रहे हैं बच्चे, बच्चे मजे ले रहे हैं? वो मजे टीचर को लेने होते हैं यार, तुम क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन इतना सिंपल दिया था। हाँ एक्स गाइस मोल्स ऑफ एक्स कितने हैं ये बताओ। अरे बोलो तो सही, गलत। एक्स के मोल्स ओके, और वाई के कितने आए? तो तुम्हारे पास आया एक्स फाइव वाई फाइव बाई टू, राइट। हमने यहाँ पहली चीज, हमें डिनोमिनेटर में टू नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन बाय टू, तो तुम्हारा क्या बन गया बच्चों? एक्स टेन वाई फाइव, ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगी? एक्स टू वाई वन। अब क्या कर रहे थे वो तो तुम ही बच्चे बताओगे। हाँ एक्स टेन वन आ रहा है या एक्स वाई टू आ रहा है, किसका आया था? किसी रो का आया था। हाँ गाइस समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था ना, गुड। कितने बच्चों के समझ में आया कि कैसे हुआ है? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो भाई, पूछे नहीं किसी को? लो जी पूछते भी नहीं है, समझे या नहीं समझे? गाइस देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, सिंपल ही आएंगे, ठीक है ना? नहीं वैसे स्टोइकोमेट्री में इतने सिंपल भी नहीं आते, बट द पॉइंट इज सिंपल भी आएंगे, तुम्हें करना आना चाहिए। गाइस एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें करवाया नहीं करवाया, एक बार जरा बताना कि एक्स एंड वाई सुनते हैं ना बच्चों। एक तो कुछ वो करवाया था पहले, 13.4 ग्राम ऑफ अनस्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट गिव्स हैज 6.3 ग्राम H2O। पढ़ना 13.4 और 6.3 करवाया था ना, एंड फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करवाया था। और एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक्स वाई टू एक्स थ्री वाई टू, ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया है? दो कंपाउंड बना रहा है एक्स और वाई, एक्स वाई टू और एक्स थ्री वाई टू, 0.1 मोल एक का वेज 10 ग्राम, दूसरे का 0.05 मोल वेज 9 ग्राम, कुछ ऐसा करवाया? नहीं कराया, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब ये तुम्हारा उससे वही वैल्यू आएगी, एक्स टू वाई ही आएगी। एक्स एंड वाई क्या आएगा? एक्स एंड वाई फाइव आना चाहिए। क्या किया है दिखाओ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन अ सेकंड विद योर ओके। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट है, एक बनाया हमने एक्स वाई टू और एक बनाया एक्स थ्री वाई टू, ओके। इसका 0.1 मोल वेज 10 ग्राम, इसका 0.05 मोल वेज 9 ग्राम, फाइंड
एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई। गाइस करने के दो तरीके हैं, थोड़ा अच्छा तरीका मैं पहले बताता हूँ फिर डिफिकल्ट बताता हूँ। डिफिकल्ट इन द सेंस उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगी सोचने में। गाइस 0.1 मोल का मास 10 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा? 100, राइट? वेरी नाइस। तो 1 मोल एक्स वाई टू का मास कितना है? 100। और एक्स वाई टू का 1 मोल में हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल एक्स है और 2 मोल वाई है। मतलब कहना ही से, लेट अस अज्यूम द अटोमिक मास ऑफ एक्स टू बी एक्स एंड अटोमिक मास ऑफ वाई टू बी वाई। और हमने अभी निकाला 1 मोल एक्स वाई टू का मास कितना था? 100। सो कहना ही से उसमें एक एक्स था और 2 वाई थे। एक इक्वेशन बनी या नहीं बनी? और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 0.05 मोल इज वेइंग 9 ग्राम, तो 1 मोल विल वे हम 180। वेरी नाइस, है ना? 9 बाय 0.05 विल बी 180। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना? और 1 मोल एक्स थ्री वाई टू में एक्स कितना है? 3x। और वाई कितना है? 2y। हैप्पी और नॉट? आ गया भाई आंसर, एक्स और वाई निकाल लेना, वही आंसर है। एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एटॉमिक मास ऑफ वाई। तुम भी खुश, हम भी खुश। हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे, कुछ दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है ये बताओ। गाइस बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। स्पीक आउट गाइस, डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क मी। अब आते हैं बच्चों मूल का। मेरे ख्याल से तुम्हें एक फेयर इनफ आइडिया हो चुका है, मतलब क्वेश्चन हम कितने ही कर ले, लेकिन आई थिंक यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया क्या करना है। अब आते हैं समथिंग नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम, अच्छा गाइस एक चीज और, ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो मैं तुम्हें बता दूं, ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल एटम। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कि मेरे ख्याल से एक क्लास में मैंने बताया था, एक क्लास में बताया नहीं था। तो अब मैंने सबको बता दिया ग्राम एटम इज मोल एटम। ओके गाइस, ग्राम एटम का मतलब है मोल एटम। मतलब कोई मेरे से पूछे कि सल्फर के 8 ग्राम दे रखे हैं, उसमें ग्राम एटम कितने हैं? 8 बाय 30 अटोमिक मास से डिवाइड कर, मतलब मोल एटम और सल्फर कितने। मोल एटम का फॉर्मूला होता है ग्राम बाय अटोमिक। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं, सो नाइस। अब आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अभी बहुत सारी टर्म्स आने वाली है बच्चों। नहीं, इसे लिखा जाता है जीएमई। क्या लिखा जाता है बच्चों? जीएमई की। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बच्चे कहेंगे सर ग्राम तो समझ में आता है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? ये एक और नई टर्म आ गई। पहले ग्राम इक्विवेलेंट था, ग्राम इक्विवेलेंट को पढ़ने लगे तो एक नई टर्म आ गई इक्विवेलेंट वेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। हमने कहा बार बार नई टर्म आ रही है, एन फैक्टर क्या हो गया? एन इज एन फैक्टर, एन को क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। क्लियर है गाइस? तो वी हैव गॉट 3 न्यू टर्म्स, एन, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट। क्रक्स हमें पता चल गया यार, ये एन समझना पड़ेगा, एन क्या है, ठीक है ना? वी नो द मीनिंग ऑफ एन, विल अंडरस्टैंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो गाइज एन को देखो, एन क्या होता है? फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए एन इज इक्वल टू वैलेंस ऑफ एलिमेंट। ओके गाइस, एलिमेंट के लिए एन क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। कोई डाउट यहां तक? जैसे मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं तो उसके लिए एन क्या होगा बच्चों? कैल्शियम की वैलेंसी किसी को पता है? पता ही नहीं होगी। 2, नाइस। मैग्नीशियम के लिए भी 2, एल्यूमिनियम के लिए क्या होगी वैलेंस? 3, सोडियम के लिए वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 1। गॉट द आइडिया और नॉट? कैल्शियम के लिए 2, सोडियम के लिए 1, एल्यूमिनियम के लिए 3, यू गॉट द आइडिया, राइट गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब
एक्चुअली ये वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यहां पे अभी हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी इस चीज की, जो मैंने अभी लिखवाया, अभी जो मैंने लिखवाया उसके लिए इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी कि कैल्शियम एटम इज, मतलब इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, यू डोंट हैव अ कैल्शियम मॉलिक्यूल, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखता हूं ओ, अगर मैं लिखता हूं ओ, तो उसके लिए हमारी वैलेंसी क्या है? टू। मैं लिखता हूं ओ टू, मतलब वैलेंसी मतलब एन फैक्टर, ओ के लिए एन फैक्टर क्या है? टू। और मैं ओ टू बोलता हूं उसके लिए एन फैक्टर क्या है? वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉल, इट इज गोइंग टू बी फोर, टू इंटू टू फोर। क्लियर और नॉट गाइस? ओ के लिए एन फैक्टर इज टू, ओ टू के लिए एन फैक्टर इज फोर, टू इंटू टू। फॉर्मूला भी चेंज आता है, कैसे? इक्विवेलेंट वेट ओ का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ निकालना है, क्या आएगा बच्चों? गाइस यहां पे हम मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर देख रहे थे, राइट? इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या कह रहे थे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। लेकिन जब तुम ओ की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक तरीके यूनिट का मास, गेटिंग द आइडिया नॉट? यूनिट का मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। अब मैं ओ की बात कर रहा हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल नॉट बी टेकिंग 32, विल बी टेकिंग 16, 16 बाय 2 इज व्हाट यू विल गेट। समझ आया नहीं आया? और सपोजिंग मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूँ ओ टू की, तो क्या करोगे? इट विल बी 32 बाय 4, गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? वैल्यू सेम आ रही है दोनों में, वैल्यू सेम आ रही है, बट यहां पे एन फैक्टर वॉज एक्चुअली टू, हियर एन फैक्टर इज फोर। ऊपर वाले में हमने किया अटोमिक मास बाय एन फैक्टर, नीचे हमने किया मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, और उसका एन फैक्टर टू नहीं था, उसका एन फैक्टर फोर था। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुआ है? नहीं भाई, आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट हो। ये मैंने इक्विवेलेंट वेट समझाया और उसके लिए एन फैक्टर तुम्हें बता दिया, हाउ एन फैक्टर चेंज, गॉट इट और नॉट? कोई डाउट नहीं? वी आर डन विद एली फॉर आयन, एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। अब यहाँ चार्ज ऑन आयन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख, मतलब चार्ज -1 है तुमको, एन फैक्टर -1 है, नहीं एन फैक्टर 1 होगा, मैग्नीट्यूड इज व्हाट वी टेक, नो साइन। जैसे AlC+ लेता हूं, एन फैक्टर क्या होगा? अब ये मत कहते ना AlC+ का एन फैक्टर 3 इसलिए है क्योंकि उसकी वैलेंसी थी, नहीं उस पे चार्ज थी। Al और Al3+ में फर्क समझ आ रहा है? Al इज अ बेसिकली तुम्हारा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम Al3+ की बात करें तो हम आयन की बात करें, दोनों के लिए एन फैक्टर अलग तरीके निकल के आता है, एक में वैलेंसी और एक में चार्ज। गॉट इट और नॉट गाइस? किसी बच्चों को डाउट? वेरी नाइस। तो Al3+ के लिए एन फैक्टर 3, O2- O पे चार्ज 2-, व्हाट इज द एन फैक्टर? 2। Mg2+ एन फैक्टर इज 2, Na+ एन फैक्टर इज 1, गॉट इट और नॉट? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल इज है सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है सल्फेट का, सल्फेट इज SO4 2-, तो जस्ट टेल मी कैसे निकालोगे गाइस, व्हाट विल यू डू? अब तुम कहोगे सर हमें क्या लेना होता है, मॉल का मास बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बजाय विल बी टेकिंग द मास ऑफ दिस बाय इसका एन फैक्टर। भाई तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास के बजाय यहाँ पे विल टेक द मास ऑफ दिस बाय इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका क्या है बच्चों? टू, बिकॉज द चार्ज ऑन आयन इज टू, गॉट इट और नॉट? अब इसका जब मास देख रहे हो तो क्या मास देखोगे गाइस? सल्फर का ऐड करोगे, चार ऑक्सीजन का भी ऐड करोगे, और ये जो 2- है ये यार ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हम इग्नोर कर रहे होते थे, आए ना? जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इग्नोर होता है, तो इसका मास कितना आने वाला है? सिंपली सल्फ SO4 का मास देखो, 2- जाए बाहर में हमारी क्लास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमारा मास कितना आ गया? SO4 होता है तुम्हारा 98, 2 हटा दिया 96, 96 बाय 2,
फॉस्फेट का देख लेते हैं, फॉस्फेट का कितना आएगा बच्चे? निकाल के देख ले, आइडिया है जो एन फैक्टर दैट इज गोइंग टू कम आउट थ्री इन केस ऑफ फॉस, कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं फॉर एस, हाउ टू फाइंड आउट एन फैक्टर फॉर एस। एन इसके लिए होता है बेटा बेसिस, एसिड की बेसिस। हम कहेंगे यार ये तो कुछ नई टर्म सी लग रही है, बेसिसिटी तो हमने नहीं पढ़ा। सिंपल है, मतलब डोंट बी कंफ्यूज बाय द टर्म बेसिसिटी। एसिड का काम क्या होता है गाइस? पानी में जाते कूदते ही जैसे वो क्या करता है, एच प्लस रिलीज करता है। जितने एच प्लस वो रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल जितने एच प्लस रिलीज करेगा दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, गॉट इट और नॉट? जितने एच प्लस एसिड रिलीज करेगा पानी में गिरते ही, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर ऑफ एच प्लस आयंस इट कैन रिलीज इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड, गॉट इट? गुड, नाइस, ग्रेट। तो जरा मुझे बताओ एच सी एल के लिए एन फैक्टर क्या होगा, कितने एच लूज करता है? वन। एच टू ओ फोर कितने एच लूज करता है? टू। पानी में जब फेंकोगे एच टू ओ फोर को तो वो दो एच प्लस देगा और एक सल्फेट देगा, एस ओ फोर टू माइनस। समझे नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? काम की चीज है, एस थ्री पी ओ फोर, ठीक है ना बच्चों? एस थ्री पी ओ फोर इज योर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, समथिंग इंपॉर्टेंट यू विल स्टडी आएगा। एस थ्री पी ओ थ्री, दिस इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोनिक एसिड। एंड यू हैव गॉट एस थ्री पी ओ टू, दिस इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और देयर इज अनदर नेम फॉर इट, फॉस्फीनिक एसिड। वो फोनिक था, ये फीनिक है। बच्चे कहेंगे सर हम तो यहीं पे ढेर हो गए। गाइस कर लिया नोट? अब इन तीनों का एन फैक्टर फील के हिसाब से क्या आता है? थ्री, थ्री आना चाहिए, लेकिन एक का थ्री होता है, एक का टू होता है, एक का वन होता है। बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने क्या बताया था बच्चों? इट इज अ नंबर ऑफ एच विच कैन बी लॉस एज एच प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज अ नंबर ऑफ एच विच इट कैन लूज, हाँ या ना गाइस? यही तो बोला था मैंने, एन फैक्टर क्या था हमारा? बोलेंगे इट इज अ नंबर ऑफ एच विच कैन बी लॉस एज एच प्लस, हाँ ना? कितने एच, उसने एच प्लस कितने एच प्लस निकाल दिए, दैट इज द एन फैक्टर फॉर एस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये बेसिक नॉलेज है, आगे बहुत यूज में आएगी, ऑर्गेनिक में जाके बहुत दूर है उस टाइम तक, ये कई बार रिपीट भी होगा, तो डोंट पैनिक के सर ये ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ। है क्या कि जब तुम फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन अटैच, फास्फोरस ज्यादा पुलिंग नहीं होता, तुम्हें पता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे होते, ये तो पढ़ा होगा 10th में आई गेस पढ़ा होगा, कि जो नॉन मेटल्स हैं दे ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो एच क्या कहेगा? भाई इलेक्ट्रॉन ले, मैं चला एज एच प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तुम क्या करोगे भाई? ले जाए इलेक्ट्रॉन, और मैं अगर इलेक्ट्रॉन वो लेके गया तो एच किस फॉर्म में बाहर जाएगा? एच प्लस। अब गाइस नॉन मेटल में फॉस्फोरस नॉन मेटल ठहरा, ऑक्सीजन नॉन मेटल ठहरा, ज्यादा पुलिंग कौन सा होगा? विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो ज्यादा राइट में होगा वो ज्यादा पुलिंग होगा। ऑक्सीजन इज मोर पुलिंग देन फॉस्फोरस, आइडिया बींग जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है दैट कैन बी लॉस एज एच प्लस, लेकिन जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्टेड है दैट विल नॉट बी लॉस एज एच, गॉट इट और नॉट? पीएच बॉन्ड जो कनेक्टेड है, पीएच जो हमारी लिंकेज है, वहां से एच एच प्लस की फॉर्म में नहीं जाएगा, ओ एच वाला एच विल बी लॉस एज एच, ओ की पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एच को एच प्लस की फॉर्म में नहीं निकाल पाया, ऑक्सीजन ने निकाल दिया। समझ में आया या नहीं आया?
जरा मुझे बताओ यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा, तीन, यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा और यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा, गॉट इट और नॉट? अब दूंगा वही सर, ये तो आपने समझा दिया, मैं कहूंगा समझा दिया ना, अब रट ले ना, गाइस आइडिया है तुम्हें, याद होना चाहिए, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना गाइस? ओके बेस पे आते, कहाँ पे थे हम? ये फॉर ऐसे, अच्छा मैंने नंबरिंग करी नहीं, सो नाइस, फॉर एलिमेंट हो गया, फॉर आयन हो गया, फॉर एसिड हो गया, फॉर बेस। बेस में ऐसी समस्या नहीं हो, बेस के लिए एन फैक्टर इज एसिडिटी ऑफ बेस। तुम समझ गए होगे क्या है, कितने ओ एच माइनस आयन दे रिलीज कर, कितने ओ एच माइनस आयन दे रिलीज कर रहा है इन वॉटर, एनयू एच कितने रिलीज करेगा? एक बंदगा सो ओ एच है ही एक, ठीक है ना गाइस? एम जी ओ एच वाइज कितने रिलीज करेगा? टू। ए एल ओ एच साइज कितने रिलीज करेगा? एन फैक्टर 1 2 3, गॉट इट? अब गाइस आते हैं फॉर एसिडिक कंपाउंड। यार ये एसिडिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एसिड तो हमने सुना था, एसिडिक कौन से? एसिडिक वो है जिनके पास एच तो नहीं है, लेकिन जब पानी में फेंकते हो तो एच रिलीज कर देता है। कहां से रिलीज करेगा? इट फॉर रिलीजेज एच प्लस आयन, वॉटर का रिएक्शन करने में इट गिव्स एच प्लस। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि एसिडिक कंपाउंड वो है जो एस, उसके पास एच प्लस नहीं है, उसके पास एच प्लस नहीं है मॉलिक्यूल में, लेकिन इट डज रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर। एसिड की रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वॉटर। एसिडिक वो है जिनके पास एच तो नहीं है, एच प्लस तो नहीं है, बट दे डू रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर। कोई डाउट यहाँ? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है, SO3, SO2, CO2, कुछ समझ में आता ना आता? ये सारे के सारे एसिडिक गैसेस हैं, अगर तुम्हें बताओ ये सारे के सारे रिएक्ट करते हैं बेस के आर टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर। कोई डाउट यहां तक? हाउ टू आइडेंटिफाई इनका एन फैक्टर, इनका एन फैक्टर कैसे निकल के आएगा? गाइस सिंपल तरीका है, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे, तुम देखो ये बेस के ओ एच माइनस कितने के साथ रिएक्ट कर रहे टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर। एक एसिडिक कंपाउंड बेस के कितने ओ एच माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर? नहीं समझ में आया होगा स्टेटमेंट, मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। SO3 है, यू रिएक्टेड विद बेस, बेस में मैं कहूंगा NaOH लो, क्यों लो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, और इसका क्या बनाओ? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा गाइस, कोई बताएगा मुझे? बताओ किसी को, ये बनाएगा। अब मुझे बताओ एक SO3 कितने OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है? बताना, दो OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो SO3 का N फैक्टर इज 2, गॉट इट और नॉट? SO3 का N फैक्टर क्या हो गया? 2, बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद 2 OH-, गॉट इट और नॉट गाइस? कुछ समझ आया नहीं आया? तो SO3 का इनफैक्टर इज 2। और तुम कहते हैं सर मैं क्यों लूँ NaOH, मैं तो MgOH ट्वाइस लूंगा। मैंने कहा ले लो, गड़बड़ मत कर देना बस। गड़बड़ क्या है गाइस, जरा बताना मुझे? ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तुम कहोगे सर इनफैक्टर 1 आ गया, एक MgOH ट्वाइस का रिएक्ट कर रहा है। मैं कहूंगा मैंने MgOH ट्वाइस थोड़ी ना बोला था, मैंने बोला था OH माइनस कितने का रिएक्ट। डू यू रियलाइज एक SO3 एक MgOH ट्वाइस का रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें OH माइनस आयन कितने हैं? दो। तो एन फैक्टर इज 2, गॉट इट और नॉट? तो डोंट मेक अ मिस्टेक, इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि तुम NaOH के साथ रिएक्शन करके एन फैक्टर सोचो, उसमें समस्या नहीं है, एक NaOH में एक OH होता, गड़बड़ का चांस है। कोई डाउट? कोई डाउट? सो नाइस। नेक्स्ट, एसिडिक कंपाउंड हमारा हो गया, CO2 का अगर देखें NaOH क्या गाइस, ये इनफैक्टर तुम्हें याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा तुम्हें याद होना, याद नहीं होगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इनफैक्टर इसका भी क्या है बच्चों? SO2 का इनफैक्टर क्या है बच्चों?
इंसिडेंटली उसका भी एन फैक्टर 2 आ गया। ये एन फैक्टर हम डायरेक्ट यूज में ला रहे होते हैं बच्चों, वहां पे Na2SO4 बन रहा था, यहाँ पे Na2SO3 बने। गॉट इट और नॉट गाइस? तीनों में एन फैक्टर हमारा क्या हो, क्या आ रहा है? 2 क्या आ रहा है, तुम्हें याद होना चाहिए। गॉट इट? ग्रेट। अब आते हैं बेसिक कंपाउंड्स। फॉर बेसिक कंपाउंड अभी एसिडिक देखे थे, अब आते हैं फॉर बेसिक कंपाउंड। यार ये बेसिक कंपाउंड में कौन से आते हैं? एग्जाम्पल ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, मेटल के, दे आर बेसिक। बेसिक की वही कंडीशन है, दे मस्ट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक है, बेस नहीं है। NaOH, MgOH twice नहीं लिया, AlOH twice नहीं लिया, OH नहीं है इसके पास, लेकिन इट डज रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है गाइस? तो इसके लिए ये वाला तरीका चल सकता है क्या बच्चों? जो अभी हमने एसिडिक के लिए किया था वही अब हम बेसिक के लिए करेंगे। लेट अस रिएक्ट विद एसिड एंड लेट अस ये एसिड के कितने एच प्लस के साथ रिएक्ट कर। समझ आया नहीं आया? ये क्या बनाएगा? इनमें एक CO2 एक्स्ट्रा बनता है, 10th की फील आ रही होगी, ठीक है ना बच्चों? हाइड्रोक्साइड के साथ तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता है। तो यू हैव रियलाइज इसका इन्फेक्टर क्या है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुआ? लेकिन ये तरीका है ना थोड़ा ज्यादा अच्छा सा नहीं है, मेहनत करनी पड़ रही, और मेहनत थोड़ी कम से भी काम चल सकता है, जब तो कम करनी चाहिए, ठीक है ना? अगर उसके से काम चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं। फॉर सॉल्ट कि बहुत चीजें मेहनत करने के लिए, अभी तुम्हारे को क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर्मूले थोड़े कम से भी काम चल जाए तो बेटर, ठीक है ना गाइस? तो स्टार्ट करते हैं। फॉर सॉल्ट एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव या फॉर दैट मैटर नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयन। ओके गाइस, ये फॉर्मूला। अब गाइस हम कहेंगे इसमें ज्यादा सॉल्ट हम क्या देख ले, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। मैं कहूंगा यार इन गधों ने कुछ गलत काम कर रखे हैं, ये भी तो सॉल्ट है, फॉर्मूला तो इनके लिए भी वो लग सकता है। क्यों हम इतना घटिया फॉर्मूला निकाले कि पहले एसिड के साथ रिएक्ट करें फिर एन फैक्टर निकालें? इसका भी एन फैक्टर इसी तरीके से निकाल लो, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयन। तो जरा मुझे बताओ MgO में टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो, कंपाउंड है, ओवरऑल चार्ज बराबर आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, ठीक है ना बच्चों? तो हम कहेंगे जो MgO है उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? Mg2+, तो +2। नेगेटिव देखोगे तो O2-, -2। मैग्नीट्यूड ले रहे हम चार्ज का, तो ड्यू रियलाइज MgO के लिए एन फैक्टर क्या आने वाला है बच्चों? 2। MgCO3 के लिए एन फैक्टर क्या आने वाला है? Mg2+ या CO3 2-? अगेन एन फैक्टर इज 2। NaHCO3 इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? Na+, ये मत क्या देना NaH+, नहीं, Na+ एंड HCO3-, एन फैक्टर क्या होगा? 1। Na2CO3 लेते हैं, एन फैक्टर क्या होगा? क्या होगा एन फैक्टर Na2CO3 के लिए? 2 2। एंड द लास्ट वन, द लास्ट वन गाइस फिर से चेक, 6 इट इज गोइंग टू बी 6। 2Al3+ या 3CO3 2-? टोटल पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना ना, Al2CO3 थ्राइस में Al पे चार्ज होता +3, लेकिन टोटल पॉजिटिव देखना है, एक एल्यूमिनियम थोड़ी ना है हमारे पास, दो एल्यूमिनियम। इट इज गोइंग टू बी 6। गॉट इट ऑन नाउ? कार्बोनेट से भी देख सकते हो, यू हैव गॉट 3CO3 2-, तो टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा? 6। एन फैक्टर फॉर Al2CO3 थ्राइसिस। कुछ समझे या नहीं समझे ये बता दो। क्लियर हो गया? सो नाइस। मेरे ख्याल से और दो बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आनी। गाइस एक
अब जो हमने जो इनिशियली पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इक्विलेंट वेट। इक्विलेंट वेट क्या था बच्चों? मॉलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। हाँ है ना बच्चों, था या नहीं था? ये वाज मॉलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये हमारा फॉर्मूला था। तो इक्विलेंट वेट इज जस्ट लाइक मॉलिकुलर मास, मतलब बस एन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। और एन फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, SCPO4 दे रखा है तो एसिड वाला एन फैक्टर देखोगे, MgOH2 दे रखा है बेस वाला एन फैक्टर देखोगे, से तुम्हें Ne2SO4 दे रखा है तो सॉल्ट वाला देखोगे। गेटिंग द आइडिया नॉट गाइस? मतलब यूज इट डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कंपाउंड दे रखा है, एन फैक्टर निकालिए। हाँ है ना। अच्छा गाइस एक काम करते, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, अच्छी फील आएगी। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस यार, इसका एन फैक्टर क्या होगा? जस्ट फॉर फन दिया गया है, ट्राई इट आउट। देखो जो कंपाउंड ब्रेक नहीं कर सकता ना आयंस की फॉर्म में, नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको अलग से रख। जस्ट पहले ये बताओ ये है क्या चीज? एलिमेंट है, आयन है, एसिडिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, क्या है? बोल दो भाई। सॉल्ट है तो सॉल्ट वाला इन्फेक्टर लगेगा। सॉल्ट का इन्फेक्टर में क्या होता था? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव तो चार्ज, इन्फेक्टर क्या आएगा? क्या होगा गाइस? अरे आंसर सही आना चाहिए भाई, बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, सही आंसर आएगा। नहीं इतना भी नहीं, ट्राई अगेन। हाँ सारे गेस वर्क मार लो, लास्ट ट्राई दे रहा हूँ, फिर मैं आंसर दूँ। और तो बचता ही नहीं कुछ, सार तो मैंने कर दिया। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज? कम ऑन गाइस ट्राई। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज? बच्चे सही मजे ले रहे हैं, आंसर ही नहीं दे रहे गाइस। वही आंसर दो। एट, सो नाइस। मैं तो कह ही रहा था वो आंसर आना चाहिए गाइस। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2K+ है, +2 वहां से आया, 2Al3+ है वहां से 6 आया, और 6+2 8 हो गया। और क्या करोगे? यहां से +2, यहां से +6+8। सल्फेट से भी देख सकते थे -2, और यहां पे 3 है तो -6 -8। और ये वाटर, ये हमारी वाला से बाढ़ में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता? कोवेलेंट कंपाउंड है ना, आयन में थोड़ा ब्रेक कर रहा है। गॉट इट और नॉट? एन फैक्टर इज 8। इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो पूरे इसका मोल का मास लो और डिवाइड कर दो 8। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? क्वेश्चन लो, नोट कर लिया होगा, मैं इसे उड़ा रहा हूँ, मैं उसमें अड़ रहा है, ठीक है ना? याद में ऊपर नीचे शिफ्ट फ्री से बैटर उड़ा दिया, कर लिया था ना नोट? ओके फाइन। हाँ तो हम इक्विलेंट वेट की बात कर रहे थे, इट वॉज मॉल के मास बाय एन फैक्ट। मतलब इक्विलेंट वेट और मॉल के मास कुछ रिलेटेबल टर्म्स है, ऐसे ही आते हैं ग्राम इक्विलेंट के। ग्राम इक्विलेंट इज ग्राम्स बाय इक्विलेंट वेट। हाँ है ना गाइस? हाँ या ना गाइस बोलो? ये हाँ यही था ना फॉर्मूला, ग्राम्स बाय इक्विलेंट वेट। हमने यार इक्विलेंट वेट की जगह मॉल के मास बाय एन फैक्टर डाल दें, बेटर रहेगा। तो डू यू रियलाइज, ये बन जाएगा ग्राम इक्विलेंट वेट को लिखो बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर। गॉट इट और नॉट? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इक्विलेंट वेट का फॉर्मूला डाला है नीचे वाली एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं किया बेटा। ये क्या होता था? मोल होता था, इतने क्वेश्चन कर लिए, मोल होता था। तो ग्राम इक्विलेंट इज नथिंग बट मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ द कंपाउंड या एलिमेंट या आयन जो भी ले रहे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी को भी डाउट नहीं? गजब, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन दे दूं, Al2CO3
क्राइस्ट, ऐसे अच्छा नहीं मिला मुझे, रुको कि हमें 10 ग्राम दे रखे, 5 ग्राम। अच्छा गाइस एक चीज देखो, बिफोर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, डू यू रियलाइज और नॉट, ग्राम इक्विवेलेंट कुछ मोल से रिलेटेड है और इक्विवेलेंट वेट मोल क्या मास से रिलेटेड है। इतना तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इज रिलेटेड टू मोल्स एंड इक्विवेलेंट वेट इज रिलेटेड टू मोल का मास। हाँ है ना, इक्विवेलेंट वेट मोल का मास के एनालॉगस है और ग्राम इक्विवेलेंट मोल के काइंड ऑफ एनालॉगस है, उसी पैटर्न पे चल रहा है। अब मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। गैस के दो तरीके हैं, या तो तुम इक्विवेलेंट वेट निकालो, बहुत लंबा जाएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोल का मास लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका क्या था बच्चा, सिक्स सिक्स था। सो आइदर फर्स्ट यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट एंड देन डू ग्राम बाय इक्विवेलेंट। मैं कहूंगा नहीं, तुम मोल्स, क्योंकि मोल्स इतनी मेहनत करी है, तुम मोल्स इनटू एन फैक्टर कर दो, फॉर्मूला वही है, एक्सप्रेशन वही बनेगा, बट द आइडिया इज इट इज बेटर टू यूज द फॉर्मूला मोल्स इनटू एन फैक्टर रेदर देन यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम बाय इक्विवेलेंट। मुझे आया नहीं यार। 27, नहीं एक्चुअली आई डोंट वांट यू गाइस टू, कर रहे हो अच्छी बात है, दैट्स नाइस, लेकिन मैं तो सीधा एक्सप्रेशन चाह रहा था, दैट इज व्हाट आई वांट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकला, नहीं निकला गाइस, 27 मैंने निकाला ही, ग्राम्स बाय मोल का मास ऑफ कंपाउंड, यही तो आया होगा। हाँ है ना, कैन माय मॉलिक का मास इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, तो बोलते बहुत कम है, क्या करोगे। अब आते हैं कंसंट्रेशन पे, बच्चे लेट अस गो ऑन टू कंसंट्रेशन, लेट अस गो ऑन टू कंसंट्रेशन गाइस। ये कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, इन द सेंस कि हमने काफी कुछ कर लिया है, ठीक है ना गाइस, वी हैव डन अ लॉट, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू टॉपिक जिसमें इसका एप्लीकेशन होगा, जो भी हमने सीखा है उसका एप्लीकेशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है यार, कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तुमने नमक को पानी में डाला, किसी को, किसी वाले में नमक ज्यादा डल गया तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, किसी में नमक कम डल गया तो तुम्हारा लेस कंसंट्रेटेड हो गया, लेस कंसंट्रेटेड हो गया बोलते हैं डाइल्यूट, गॉट इट। हमने कहा यार कंसंट्रेशन बतानी है, कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या है, किस तरीके से तुम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करोगे, ठीक है ना गाइस। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला आता है वेट बाय वेट परसेंट, इट इज बेसिकली ग्राम्स। गाइस यहाँ पे मैं लिख दूँ, बी मैं हमेशा लूंगा सॉल्यूट को और ए हमेशा लूंगा सॉल्वेंट को, ओके गाइस, ए इज सॉल्वेंट बी इज सॉल्यूट, कोई डाउट यहां तक। तो दिस इज ग्राम्स ऑफ बी बाय टोटल मास, मैं ऐसे लिख देता हूँ, टोटल मास ही लिख देता हूँ ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट, या ग्राम बाय ग्राम परसेंट कह सकते हो, वेट इज बेसिकली इन ग्राम्स, ठीक है ना बच्चों। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये टोटल मास को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब इस एक्सप्रेशन को कैन आई राइट दिस डाउन एज सिंपली जी ऑफ बी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल ग्राम इनटू 100, परसेंट है ना, परसेंट का मतलब इनटू 100 होता है गाइस, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी बच्चे। तो अगर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट सुनना गाइस, स्टेटमेंट बहुत हेल्प करती है, 60% वेट बाय वेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट की फॉर्म, इट बेसिकली मींस कि अगर हमारे पास, सुनते आना बच्चों, ये स्टेटमेंट से ही हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर, वी यूज दिस वेट बाय वेट परसेंट का मतलब है, अगर हमारे पास 100 ग्राम क्या है बच्चों, सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना है, 60, गॉट इट और नॉट गाइस, क्लियर हुई है चीज या नहीं, कोई डाउट यहां पर। सपोजिंग तुम्हारा ये 10% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 10%, 10% वेट बाय वेट इज गिवन टू अस,
NaCl इन वाटर, इसको जरा स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल के दिखाना कि मुझे पूरा यकीन है गलत करेंगे। बोलना है स्टेटमेंट को जरा जो मैंने अभी बताया था, एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे गलत करेंगे, कोई भी एक बोल दे। मैंने कहा था गलत करोगे, गड़बड़ समझ आ रही है, कहाँ कर रहे हो? तुमने बोला 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम सॉल्यूशन विच इंक्लूड्स वाटर प्लस एनए। आई न्यू कि मिस्टेक होती है बच्चे, मतलब सारे बच्चे लगभग यही कर रहे, लिविंग असाइड मे बी दैट टू कोई एक बच्चा होगा जो समझ गया होगा गड़बड़ कहाँ पे। आइडिया इज 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl नहीं है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl। सॉल्यूशन इंक्लूड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मुझे आया नहीं आया बेटा, गॉट इट, ग्रेट, डोंट मेक अ मिस्टेक यार। इट इज नॉट जीबी बाय जीए, इट इज जीबी बाय जीए प्लस जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्व। सेकेंड, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, दिस इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। सिंपली सोचा जाए तो जी ऑफ बी बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 100। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो अगर मैं वही चीज बोल रहा हूं, 10% NaCl दे रखा है, इट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसका मतलब क्या आएगा जरा बताना मुझे। इट बेसिकली मीन्स देयर इज 10 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, नॉट 100 ml वाटर। पहली चीज मैंने बताया नहीं सॉल्वेंट वाटर है या नहीं, लेकिन बाय चांस इवन इफ इट वाज वाटर तो हम 100 ml वाटर नहीं बोलते, 100 ml सॉल्यूशन। गॉट इट गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? नाइस। तीसरे पे आप, लेट्स गो टू द थर्ड टर्म। थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और कैन सिंपली बी सेड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में ऊपर मास था नीचे वॉल्यूम। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? आ गया, कमाल हो गया, क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन के लिए एक चीज और बता दो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? हाँ, जितना आसान लग रहा है ना ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें, सुनते आना बच्चों, अगर तुम्हें डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूट की तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट मास ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी दे रखी है सॉल्वेंट की तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट मास ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट मास ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? जिसकी डेंसिटी उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके उसका मास आए। समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन हो जाए मजा आएगा। 10% वेट बाय वेट देते। अच्छा एक चीज बता दो बच्चों, यहीं पे लिख दो, डेंसिटी ऑफ वाटर इफ नॉट स्पेसिफाइड इज 1 ग्राम पर ml। अगर उसका यूज आ रहा है और दे नहीं रखी तो उसे प्लीज अज्यूम कर लो एज 1 ग्राम पर ml। समझ आया नहीं आया? 10% वेट बाय वेट दे रखा है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एस डी। ओके, या मैं वैल्यू लेता हूँ 1.2 ग्राम पर ml। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? फाइन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट।
बताओ बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल दो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं होगा, चिंता ना करो। मैंने पूछ लिया लेकिन आई एम प्रेटी श्योर नहीं होगा तुमको। क्वेश्चन नोट कर लिया? कर लिया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करते हैं। मैंने तुम्हें क्यों ये स्टेटमेंट बताई थी? क्योंकि गाइस, कंसंट्रेशन, जब भी तुम एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पे जा रहे हो, यू नीड समथिंग मतलब सॉलिड। समझ आ रहा है? तुम्हें एक डेटा दिया होना चाहिए कि इतना मास सॉल्यूट है, इतना मास सॉल्वेंट है, या इतना मास सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन को विल ब्रेक इट डाउन इंटू अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। हम कहेंगे हमें 10% वेट बाय वेट नहीं दे रखा, हम मान के चलेंगे हमें 10 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ में आया नहीं आया? विल ब्रेक द कंसंट्रेशन टर्म इंटू कॉम्पोनेंट्स। ये जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, मैं कहूंगा हमें 10% वेट बाय वेट नहीं दे रखा। इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बोलूंगा? 10 ग्राम बी है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कुछ समझ आया नहीं आया? मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तुम मान के चलो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये दे रखा है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू? जो कंसंट्रेशन टर्म थी उसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख ली, ठीक है ना गाइस? और अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, राइट? मास ग्राम में, वॉल्यूम ml की। स्टेटमेंट क्या होती है? इतने ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर ml। गॉट इट ऑन ऑल? तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट? इसका फॉर्मूला, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे क्वेश्चन? हाँ, 10। अभी हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी तो है। अब नीचे में क्या चाहिए बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार मास ऑफ सॉल्यूशन पकड़ा रखा है हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पकड़ा रखा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ये कर दें या फिर मैं काम करूं 1.2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं? ये डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रहा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं, आई डोंट लाइक राइटिंग लाइक दिस। उसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये 1.2 को क्या खत्म? तो इसलिए मैंने उसको इस फॉर्म में रखा है ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। ये अभी क्या दे रहा है? मास ऑफ सॉल्यूड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम इंटू 100 कौन करेगा? फॉर्मूले में क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दिस इज योर आंसर गाइस। कुछ समझे या नहीं समझे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया। ये तो आसान पार्ट, डिफिकल्ट पार्ट आगे है। वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, करो गाइस, स्टार्ट डूइंग दिस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, फिर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ना निकल पाएगा? बताओ, करो। इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेटमेंट बनाना। जो हमारा वेट बाय वेट परसेंट है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, दैट इज द टफ पार्ट। लग नहीं रहा होगा टफ, इट इज एक्चुअली टफ। एंड प्रेफरेबली डोंट लुक एट द स्क्रीन। हाय बच्चों, हुआ ना हुआ, क्या हुआ? बताओ गाय बच्चों, एक्सप्रेशन नहीं बनना तुम लोगों से, क्या कर रहे हो यार? सब बन गया। बन गए? यही बने जो मैंने बनाया है? यस सर। वेरी नाइस। कौन सा बच्चा था जो आंसर दे रहा था? श्रेया।
ओके नाइस। अब मैं जरा एक और काम करूं, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं यार, वेट बाय वेट हो गया ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। 10% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखा है, 10%। अच्छी तरीके नहीं लिखा यार मैंने, एक मिनट को। 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम। ओके गाइस, एंड वी आर गिवन सॉल्यूशन इज एक्वस। एक्वस का मतलब समझ आ रहा है तुम्हें गाइस? एक्वस का मतलब ये है कि जो तुम्हारा सॉल्वेंट है दैट इज वॉटर। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट, फाइन। वैसे एक्वस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करता ना तब जरूरत पड़ती। फाइन, वेट बाय वेट परसेंट, पहले ये निकालो बच्चे, बताओ वेट बाय वेट परसेंट, बताओ क्या आएगा? फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टू 100, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। करो गाइस, डू दिस वन। हो जाएगा तो आसानी से। देन टाइम कैसे लगा रहे? 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन। हाँ क्या आंसर आया? हाँ, और डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी डी में आएगा ना आंसर, 1/10 कैसे आएगा, डी में आएगा। इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक 10/D मे बी। 10/D आया नहीं आया? मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं उठाई, मैंने सीधा डी वेरिएबल की टर्म का आंसर चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल उठा ली, दिक्कत तो उससे भी नहीं आया, मतलब उससे वो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। देखो बच्चों, 10 ग्राम बी इन 100 ml सॉल्यूशन। अब तुमने क्या किया है, क्यों मैं तुम्हारी गलती बताता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। बताओ क्या किया उसके बाद तुम लोगों ने? हाँ, और ये 100 तुमने क्या उठाया बेटा? ये तुम्हारा सॉल्वेंट का हो आया ना, सॉल्वेंट। तुमने तो हम ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो तुमने गड़बड़ करी मैं वो बता रहा हूं, और फिर तुमने क्या किया? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बताता हूँ गलती, जिन बच्चों को समझ आ गई वो ठीक है, जिनको नहीं समझ आई वो बताओ। यहाँ पे तुम्हें 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ml वाटर दिया होता तब तुम्हारा आंसर आ जाता, कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम सॉल्यूशन का और डेंसिटी सॉल्यूशन की भी दे रखी है, 10/D आए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइडेड बाय, हमारा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विच वाज डी, 100 डी। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट इज गोइंग टू बी 10/D। कोई डाउट यहां तक गाइस? बोलो क्लियर हो गई ये चीज? बताओ सो क्वेश्चन। बेसिक था, इट वॉज बेसिक, यू शुड हैव डन इट लॉन्ग अगो। अब मैं लेता हूँ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आता है, दिस बिकम्स द टफेस्ट क्वेश्चन। गाइस हमें दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब डेंसिटी इज, मैंने ऊपर बताया था तुम्हें एक्वस का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे यूज है। एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बोला है, सॉल्यूशन में तो मान लेते कि सॉल्वेंट इज वाटर और उसकी डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, मतलब यहाँ पे विल यूज दैट टर्म। और हमें डी दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
ओके गाइस, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। यहां पे बच्चे ना कहते सर बस ये ना हो पाएगा। स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? बी बेसिकली इन 100 सॉल्यूशन। यार वेट बाय वेट परसेंट चाहिए, कैसे करोगे? अब गाइस, जो बच्ची ने गलती करी थी, तुमने शायद गलती क्या करी थी, तुमने 100 ml सॉल्वेंट को सॉल्यूशन को सॉल्वेंट मान लिया, राइट? यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे क्योंकि ये चीज उसमें भी चलती है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम में ये चीज नहीं चलती जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम की टर्म है। अब यू कैन अंडरस्टैंड, अगर 100 ml सॉल्यूशन है और 10 ml सॉल्यूट है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की वॉल्यूम क्या होगी? 90। यहां से एक और इंफॉर्मेशन क्या आ गई, 90 ml क्या है बच्चों? सॉल्वेंट। ये वेट बाय वेट में भी चलता है। अगर हमारे पास 10 ग्राम भी है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम। लेकिन ये चीज वेट बाय वॉल्यूम में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी वेट बाय वॉल्यूम में? 10 ग्राम ए है 100 ml सॉल्यूशन में, भाई एक ग्राम टर्म है, एक मास है, एक वॉल्यूम है। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वेट एंड वॉल्यूम वाली टर्म। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये जो भी हमने किया, ये वेट बाय वेट में चलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में चलेगा, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम में नहीं चलेगा। और मेघा दो ऊपर वाला क्वेश्चन वेट बाय वॉल्यूम था, हाँ है ना? तो अब समझ आ गया। अब तुम आसानी से निकाल सकते, कैसे? सुनते जाओ। हमारे को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, नहीं दे रखा है, और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है यहां तक? अब हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का भी चाहिए इंडिविजुअली, उसे कैसे निकालोगे? हम कहेंगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है। वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये बताओ। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, दोनों की वॉल्यूम भी हमें पता है, 100 है, 90 है। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और सॉल्यूशन में से अगर सॉल्वेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सॉल्यूट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नॉट डू इट। तुम रियलाइज करोगे ये हमारे किसी हेल्प का नहीं, ये हमारे किसी हेल्प का नहीं। गॉट इट और नॉट? बच्चे कहेंगे सिर के ऊपर से गया है, मुझे ऑडियो था किड के ऊपर से गया होगा, पक्का गया या नहीं गया? गया। अभी बताता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर सारा समझ आ जाए। क्योंकि जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि मैं हवा में कर रहा हूँ और तुम विजुलाइज करने की कोशिश करो एक्सप्रेशन में क्या बने। मैं करता हूँ वेट बाय वेट पर से। जिन बच्चों का समझ में आ गया वो खुद से करो, जिनको नहीं समझ में आया वो स्क्रीन पे ध्यान, पता चला सारे बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? सोच के बताओ बेटा, तुम बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100 ml है वॉल्यूम, 100 ml है। डेंसिटी क्या है? तो 100 d इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डिनोमिनेटर में तो 100 d कर दो, कर दो नहीं कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया। सॉल्यूट का मास हम कैसे निकाल? सॉल्यूट का मास निकालेंगे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का भी हमने निकाला था कितना था? 100 d, 100 d मास, मास ले रहे, मास बाय मास दिए। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 d है, ऊपर हम क्या करने वाले? सॉल्यूट का मास चाहिए, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? सॉल्यूशन का मास 100 d था, अब उसमें से सॉल्वेंट का मास और सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्वेंट का मास 90 d नहीं, जब तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यू नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि 90 है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1 g/ml है, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। समझ आया नहीं आया? सो इट विल बी 90 × 1, अगर सोचना है, इंटू 1000, इंटू 100, सॉरी। क्लियर
क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हाँ क्वेश्चन हो गया। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर वेट बाय वेट हो जाएगा तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। गाइस क्या एक्सप्रेशन बनेगा? बस डी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, और तो सारा सेम है। हाँ बेटा 100d-90, 100-90d नहीं, 100d-90। ध्यान से देखो, जिन बच्चों को दिक्कत है वो प्लीज बताओ मुझे। गाइस डू टेल मी, समझ में आया नहीं यार? टफ क्वेश्चन है, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? कितने बच्चों को इसमें डाउट है वो भी हाथ खड़ी करो। पहले वाला समझाना है बेटा। देखो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है यहाँ तक? मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए अंडरस्टैंड करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या? बताना जरा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है? हम कहेंगे बिल्कुल दे रखा है, 100 ml। हाँ है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो 100d क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन तो डिनोमिनेटर में एज इट इज उठ के आ गया, नहीं आ गया? क्लियर है? अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। तुम्हारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता अगर तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे रखा हो, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करो मास सॉल्यूट आ गया। लेकिन उन्होंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे रखा होता तो 10 × डेंसिटी वुड गिव अस द मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ रहा है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास ये रहा, अभी हमने डिनोमिनेटर में भी तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था, और उसमें सॉल्वेंट का मास सबट्रैक्ट कर, सॉल्वेंट की वॉल्यूम है 90, और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो डेंसिटी, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 g/ml। तो 90 × 1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट विल गिव अ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। कुछ समझ में आया नहीं यार? कितने बच्चों को ये क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है? फटाफट बताओ गाइस, डाउट है तो स्पीक आउट, और डाउट नहीं है तो कहो सर आगे चल, बताओ भाई शुरू करें आगे करें। एक क्वेश्चन और ले रहा, अच्छा लगेगा। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पकड़ा रखा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d1, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज d2, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मैं थोड़ा एक काम करूँ, इस क्वेश्चन को टफ कर देता हूँ। गाइस एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चलो पहले इसको करते हैं, ये तो आसान है। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ना लेके डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट उठा लो, फिर बच्चों का देखते क्या है। अभी पहले इसको करो, ये आसान है, प्रेटी इजी, हो सकता है किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत भी ना पड़े तो। मैं भी करता हूँ, ठीक तो आ गया होगा, मेरा तो आ गया, तुम्हारा भी आ जाना चाहिए। कितने बच्चों का आया? यही आया, सर आ गया, नाइस, दैट्स सो नाइस। एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, इसी में 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है, एंड वी आर गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज d1
एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज जी टू। अब करो गाइस, असली मजा तो अभी आएगा। और वो वेट बाय वेट परसेंट निकालना है और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। हो जाए तो बता देना गाइस, मजा आना चाहिए। कर दो, हो गया। यही आया, वेरी नाइस, दैट वाज क्विक। दोनों तुमने कर लिए ना गाइस, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम। ग्रेट, यस सर। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फेयर इनफ आइडिया। क्या कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। गुड, मोल फ्रैक्शन बात है ये। तो गाइस पहले आते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन आसान है गाइस। एक चीज और, मास फ्रैक्शन से पहले मैं एक चीज और बता दूं। ये हमारा जो वेट बाय वॉल्यूम क्या था, ये हमारा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, 100 ml में कितना होगा, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, राइट। मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, अगर हमें वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया स्पेसिफिकली क्वेश्चन, तो वो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि हमें सॉल्यूट का नहीं चाहिए। अगर नॉर्मली वेट बाय वेट परसेंट पूछा गया है, सिंपली ये लिखा हुआ है, तो हम सॉल्यूट का निकालेंगे इन सॉल्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाला है, तो देट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ या ना, मतलब उन्हें नॉर्मली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूट की बजाय सॉल्वेंट का पूछा गया है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट्सो एवर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। गुड, अब आते हैं मास फ्रैक्शन। लेट अस गो टू मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन बड़ा आसान यार। अभी हमने वेट बाय वेट परसेंट देखा था ना, यार उसमें से 100 हटा दो तो तुम्हारा फ्रैक्शन आ, क्लियर है ना। मास फ्रैक्शन इज सिंपली मास ऑफ दैट कॉम्पोनेंट बाय टोटल। तुम कहोगे सर बस इंटू 100 करना ही रह गया था, नहीं तो हमारा मास परसेंट आ जाता। क्लियर है गाइस, अगर मैं इंटू 100 कर देता, इट वुड हैव बीन वेट बाय वेट परसेंट। समझ आ रहे, नहीं आ रहे बच्चों, तो मास फ्रैक्शन समझ में आया, नहीं आया क्या है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। कि अगर तुम्हें मास फ्रैक्शन दे रखा है, सपोज मास फ्रैक्शन हमें दे रखा है 0.8 या 0.2, इसका मतलब क्या है, सोच के बताना बच्चों। गाइज ये स्टेटमेंट है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट आएंगी, कन्वर्जन करना बहुत आसान रहेगा। जैसे भी हम कन्वर्जन कर रहे थे ना, दिस वर बेसिक कन्वर्जन। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना बड़ा आसान, 0.2 by 1 कर सकते हैं इसे। इसका मतलब है अगर ये है तो ये समझे या नहीं समझे। अगर हमें मास फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है, तो क्या मैं इसे 0.2 by 1 लिख सकता हूँ पहले। और इसका मतलब ये है कि अगर टोटल मास 1 है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2। तो अगर हमें मास फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है, दैट बेसिकली मीन्स देयर इज 0.2 ग्राम सॉल्यूट इन 1 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं किया, अच्छी बात है, इट विल बी 1 ग्राम सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी बच्चे को,
नाइस, इस इक्वल टू को भी हटा देते। अब आते हैं अदर कंसेंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट आते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से लिखा जाता है, एक्स एक्स ए या एक्स बी, डिपेंडिंग अपॉन किसका मोल फ्रैक्शन निकाल दो, सॉल्यूट का सॉल्वेंट, समझे गाइस। नाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज, जैसे बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स, विच इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो स्ट्रेस ना लो, मैं भी करवा रहा, क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी आती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल, टोटल मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। एज ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाला, इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। कोई डाउट यहां तक? यहाँ पे एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, जरा बताना बच्चों, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा। वाह, इट विल बी वन, ऐड करके देखो तुम्हारा वैल्यू वन आ रही, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या आ रहा है बेटा, वन। कोई डाउट यहां तक? एक क्वेश्चन करें, मजा आएगा, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम एक्वा सोल्यूशन। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, मुझे लगा इतना आसान तो नहीं देना चाहिए, आई हैव इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, ये आसान नहीं है, ठीक है ना गाइस। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, बताओ गाइस क्या होगा, टेल मी बच्चों, बताओ भाई बताओ। मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl निकाल सकते हो, उसे ग्राम दे रखे भाई, ग्राम बाय मोल के मास करोगे मोल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, विजुअली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि अभी हमने निकाला था, बताया था नहीं बताया था, ग्राम बाय मोल के मास कर दो, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन डालोगे वो बता दो, और तुम नहीं बताओ कोई और बताएगा, एक्सप्रेशन बनाओ बनाओ, सब बोलना मत आंसर, ठीक है ना, डू इट। किसी का एक्सप्रेशन बने तो बता देना भाई। 20 ग्राम NaCl, फिर से सुनते होगा, 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब हमें सॉल्वेंट बता रखा है, क्या है क्या है, वाटर। नाइस, एक्सप्रेशन बना नहीं बना, सॉल्व करने के लिए भी नहीं कह रहा, एक्सप्रेशन बनाने के लिए कह रहा। यहाँ पे क्लोरीन का मास मान लो 35.5, याद करने की चीज है, कुछ इंफॉर्मेशन याद करा, 35.5 है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, टेल मी द एक्सप्रेशन क्या है, बना किसका बन गया। एक तो चिंता मत करा करो अगर गलत हो जाए, तुमने देखा होगा आई एम लिबरल इन दैट सेंस कि मैं डांट वांट नहीं मार रहा होता, लेकिन रिप्लाई करोगे चाहे गलत हो सही हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ आया, एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं ही करता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन से एकदम समझ आ जाएगा। ये क्या है बच्चों बता दे आओ, ये क्या दे रहा है, मोल ऑफ NaCl वेरी नाइस, दीज आर मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पहले उठा लो एज इट इज, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यार ये सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे ये बताना, दैट वाज द ओनली थिंग, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने, एटीन, एटीन वाटर है, लेकिन इसने बहुत अच्छी चीज क्या करी, इसने वहां पे गलती नहीं करी जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को लग रहा था बच्चे करेंगे 100/80, इट इज नॉट 100/80, इट इज 80/80, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आए गलती क्या स्कोप, भाई तुम्हें मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, भाई जो 100 ग्राम है सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें से सॉल्वेंट कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 80,
हाँ है ना। और हमने बताया सॉल्वेंट क्या है, पानी है, एक्वस दे रखा है, सो इट इज गोइंग टू बी 80/80। कुछ समझे या नहीं समझे पहले ये बता दो, ये आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है बताओ। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्ट, हाँ है ना, हर एक बच्चों को क्लियर है, दैट इज सो नाइस। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर मैं वाटर की पूछ लूं तो क्या करोगे इसमें, या तो तुम इतनी मेहनत करो, कितनी मेहनत, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये फॉर्मूला समझ आया नहीं आया भाई। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का चाहिए तो सॉल्यूट बाय टोटल मोल, सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट बाय टोटल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन हम कहेंगे अगर एक वैल्यू तुमने निकाल ली, रो पिट के तुमने एक वैल्यू निकाल ली, तो दूसरी वैल्यू के लिए पूरा सॉल्व मत करने बैठ जाओ, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आने वाला है, 1। इट इज इजियर कि तुम 1 माइनस एक्स ऑफ एनएसीएल विल बी एक्स ऑफ वॉट, समझ आया नहीं आया बच्चे, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी बच्चे को, नाइस। मतलब ये तरीका मत यूज करो, यूज एक्स ऑफ एनएसीएल प्लस एक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1। बाई चांस सॉल्वेंट तो एक ही होता है गाइस, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट दो होते तो क्या करते, 10 10 ग्राम NaCl, 30 ग्राम MgCl2, तो सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए गाइस कहीं करने, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। यहाँ पे तो 3 कंपोनेंट पकड़ा दिए, अभी तक तो हमने दो ही देखे थे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो 3 में फर्क ना पड़ेगा, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, इट विल बी मोल्स ऑफ NaCl बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स में तुम्हें 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, समझ में आया या नहीं आया, आंसर क्या होगा यार, मोल के मास ऑफ NaCl लिख देना, कहीं उसकी वैल्यू निकालने बैठ जाओ, तुम निकालोगे फिर मेरे को भी निकालनी पड़ेगी। तो गाइस प्लीज राइट डाउन द एक्सप्रेशन, कितने बच्चों का निकल गया भाई, तुम सोल्यूशन देख रहे थे, खुद क्यों नहीं कर रहे भाई, खुद करा ट्राई करा करो, फिर ना हो तो दिखा दो, ठीक है बेटा, ट्राई ऑन योर ओन, मतलब यहां से पता चल ही जाएगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी मेकिंग द एक्सप्रेशन, गलती जहां भी होती हो थर्ड पॉइंट पे हो सकती कि तुम्हारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना था उसकी जगह कहीं तुम मास ऑफ सॉल्यूशन खा लो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट 100 ग्राम, सॉल्वेंट विल बी सॉल्यूशन माइनस द मास ऑफ टू सॉल्यूट्स, कुछ समझ में आ रहा ना आ रहा, बताओ भाई आ रहा, सबको आ रहा, श्रेया बेटा समझ में आ रहा, यस सर। वेरी नाइस, क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। एक और चीज गाइस, डू यू रियलाइज यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट B1, मतलब मान के लो सॉल्यूट B1 है, B2 है और सॉल्वेंट A है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B1 अभी हमने क्या निकाला था, मोल्स ऑफ B1 बाय टोटल B1 प्लस B2 प्लस सॉल्वेंट, हाँ है ना, यही फॉर्मूला लगाया था नहीं लगाया था, यहाँ पे 3 मोल फ्रैक्शन आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ B1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इस बार इन तीनों का सम 1 आए, जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाज 1, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का सम विल बी इक्वल टू 1 का, कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो बच्चे, बोलिए शांत, यस सर, समझ आ गया। आ गया, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले नहीं, मतलब शर्मानी चाहिए ऑफलाइन वालों, क्लियर हो गई गाइस,
डाउट किसी बच्चे को। अब आते हैं थर्ड पे, 1 मिनट रुकना बच्चों। अच्छी बात है ये रिकॉर्ड पे। हाँ स्टार्ट करते हैं गैस। मैं क्या कह रहा था, 1 मिनट रुक जाओ। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें दे रखा है 10%, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है ऑफ बी इन ए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू अस एज डी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू अस एज D1। मॉलिक का मास ऑफ सॉल्वेंट इज MA, मॉलिक का मास ऑफ सॉल्यूट इज MB। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा टफ क्वेश्चन है, इट इज अ रियल टफ क्वेश्चन, ट्राई इट आउट। नॉट रियल टफ लेकिन टफ, टफ में आता है, ट्राई इट आउट गाइस, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब जितनी जल्दी बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे उतनी जल्दी मैं क्लास छोड़ दूंगा। ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट गाइस, क्विक। गाइस पहली चीज है जो 10% वी बाय वी ऑफ बी इन ए है, आई डोंट मीन के 10 ml बी इन 100 ml ए। बी इन ए का सॉल्यूशन, ओके गाइस गॉट इट और नॉट। अब करते हैं मजा आएगा क्वेश्चन। 10 ml बी इन 100 ml सॉल्यूशन, हाँ है ना। और आई कैन से 90 ml ए, इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली जो मैंने अभी 90 ml लिखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, राइट। इसका आ गया दिखाना बेटा, जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दैट। हाँ मैंने तो काफी करी है, वेरी नाइस, क्या बात, इट इज जस्ट ग्रेट। यार मैं भी एक एक्सप्रेशन बना लूं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्सप्रेशन मोर और लेस आई थिंक इट इज करेक्ट। पकड़ो, न्यूमरेटर वाला ही बनाने में दिक्कत आती है। 100 D हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, टू बी एग्जैक्ट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ है ना बच्चों। हमने कहा 100 D वाज मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट सबट्रैक्ट करना, वो कितना होगा बच्चों, ये क्या दे रहा है बताना बच्चों, ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है हमें। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए मोल ऑफ सॉल्वेंट, गॉट इट, बाय टोटल मोल्स विच विल बी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना था बच्चों, मजा आया नहीं आया, बस बता दो गाइस, ये एक्सप्रेशन था ना तुम्हारा, एग्जैक्टली क्लियर यस सर, हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल का मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गया बाय टोटल सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों के ऊपर से गया, बताओ गाइस, आया समझ सारा, नाइस, दैट इज सो नाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।